तो नमस्कार फ्रेंड, डीएस टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि आप अपने इक्सिगो ऐप से लेडीज़ के लिए ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप अपने इक्सिगो ऐप से लेडीज़ के लिए ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो सिंपली से गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि गाइज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपने मोबाइल में इक्सिगो ऐप को डाउनलोड कर लेना होता है। फिर हम सिंपली से गाइज पहले से इसे डाउनलोड किया होता है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते गए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा इक्सिगो ऐप ओपन हो गया है। तो ऊपर की साइड हमें सबसे पहले इस ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर हमें सिंपल से गए यहाँ पर अपनी जर्नी स्टेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। तो सिंपल से गए मैं यहाँ पर जर्नी स्टेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर गई फ्रॉम में मैं चेन्नई सेंट्रल सिलेक्ट कर लेता हूँ और टू में गई मैं सेलम जंक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली से गई डेट सिलेक्ट कर लेनी होती है। सिंपली से गई मैं नीचे की साइड डेट के ऑप्शन पर आकर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली से गई सर्च ट्रेन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। सर्च ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही गई हमारे सामने वो सभी ट्रेनें शो कर जाएंगी जो कि गई चेन्नई सेंट्रल से सेलम जंक्शन तक जाने वाली है। और नीचे तो यहाँ पर देखी गई एक ऐड शो करेगी जिसे हमें सिंपली से गई कट कर देना होता है। तो सिंपली से गई मैं इस ऐड को कट कर देता हूँ। फिर हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन शो करेगा कोटा का। तो सिंपली से गई मैं यहाँ पर कोटा के इस ऑप्शन पर सिंपली से गई क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि गाइज मैं लेडीज़ के लिए टिकट बुक करना चाहता हूँ तो कोटा के ऑप्शन पर क्लिक करके गाइज हमें लेडीज़ वाले इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर हमें सिंपली से गाइज यहाँ पर जो भी ट्रेनें यहाँ पर शो करेंगी गाइज उसमें से हमें टिकट बुक कर लेना है। जैसे गाइज मैं फर्स्ट वाली इस ट्रेन को यहाँ पर टाइमिंग और डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें सिंपली से गाइज यहाँ पर देखिए गाइज अपने कोच को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइज स्लीपर कोच में टिकट बुक करना चाहता हूँ, स्लीपर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते गए नीचे की साइड हमें डेट के साथ साथ हमें यहाँ पर साइड में बुक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इस पर हमें सिंपली से गाइस क्लिक कर देना है। बुक के ऑप्शन पर क्लिक करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइज हमें यहाँ पर ट्रैवलर का नाम यहाँ पर ऐड करना होता है। तो सिंपली गाइज मैंने पहले से ही अपना ट्रैवलर का नाम ऐड किया हुआ है और यदि आपने नहीं किया हुआ है तो गाइज ऐड ट्रैवलर के ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रैवलर का नाम और एज ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए गाइज मैंने ट्रैवलर का नाम पहले ही ऐड किया हुआ है, विमला नाम से मैंने एक ट्रैवलर का नाम ऐड किया हुआ है। तो इस पर हमें सिंपली गाइज क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर ऊपर की साइड आपको पहले तो IRCTC का यूज़र नेम आपको बनाकर गाइज यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। सिंपली गाइज मैंने पहले से ही फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पर फिलअप कर दिया है गाइज। फिर हमें नीचे की साइड अपना ट्रैवलर का नाम यहाँ पर शो करने लग जाए। फिर हमें नीचे की साइड यहाँ पर देखिए गाइज हम यदि इस टिकट का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। फिर हमें नीचे की साइड आ जाना है और यहाँ पर देखिए गाइज हमारा मोबाइल नंबर और हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ पर शो करेगा गाइज। तो यहाँ पर नीचे की साइड आने पर गाइज हमें यहाँ पर अपने शहर का गाइज पिन कोड नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। उस पिन कोड नंबर फिलअप करते ही गाइज हमारे शहर का नाम और हमारे स्टेट का नाम यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर गाइज फिर हमें नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। इसी के साइड स्क्रॉल करते हुए आने पर हमें देखिए गाइज यदि आप अपना कैंसिलेशन का चार्ज यहाँ पर फिलअप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली से गाइज मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही गाइज हमारे सामने वो सभी ऑप्शन शो कर जाएंगे जिससे कि गाइज हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली से गाइज हमें फर्स्ट तो अपना पेमेंट यहाँ पर शो करने लग जाएगा। पेमेंट शो करने के बाद हमें सिंपली से गाइज यहाँ पर नीचे की साइड हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज फर्स्ट में हमें गूगल पे, पेटीएम ये सभी ऑप्शन यहाँ पर शो करेंगे गाइज। यहाँ से हम अपना कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस बैंक के भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप किसी भी टाइप से अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही गाइज आप अपने टिकट का पेमेंट करेंगे तो आपका टिकट है वो कन्फर्मली बुक हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपने इक्सिगो ऐप से लेडीज़ के लिए ट्रेन टिकट बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज ताकि गाइज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू गाइज़।